हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं, ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है आपको, और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार ने जो वायदे किए, जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत, सिद्धू साहब, और जीतेगा हर पंजाब। सिद्धू साहब, 15 जी यानी कि कांग्रेस वॉर रूम में चल रही बैठक का दौर जारी है। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो यहाँ से निकल कर आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेटी के सामने अपनी सारी जो भी डिमांड्स थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, वो सब कमेटी के सामने आज एक्सप्रेस करी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि हाई कमांड ने उनको यहाँ पर बुलाया था अपनी बात सामने रखने के लिए, वही उसी के लिए उन्होंने आज कमेटी से बातचीत की है। पंजाब की आवाज़ बनकर सिद्धू आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बोला कि इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं उसमें पार्टी अलग होती हुई नज़र आएगी। कल इस 3 सदस्य की जो कमेटी है उन्होंने 25 विधायकों से इसी मुद्दे पर मंत्रणा की है। आज भी बैठक का दौर जारी है, 30 विधायकों को आज बुलाया है। सभी लोग जो हैं वो जाकर अपनी अपना जो पक्ष है वो कमेटी के सामने रख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इन सब मसलों को सुलझाने में जो ये 3 सदस्य कमेटी है वो सफल हो पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ मैं न्यामिका सिंह, दिल्ली से ETV भारत के लिए।